नमस्कार साथियों, मैं प्रभात फिर आप सभी को आपके अपने ही चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम सब इस भारत के नागरिक होने के नाते पहले हम भारतीय कहलाते हैं और उससे पहले मानव कहलाते हैं। मानव है तभी भारतीय है, जब मानव नहीं है तो भारतीय भी नहीं है। तो आज जो देश के सामने सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है, जिससे लोग बेरोजगारी कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ जनसंख्या आवश्यकता से अधिक की गई है, 1,40,00,000। मतलब हम चीन को भी पीछे छोड़ दिए हैं। और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो विधि व्यवस्था है, ये सब सांसद विधायक और इन सब के इर्द गिर्द ही होकर घूमती है। और देशों को देखिए, जैसे अब जापान को पूरी तरीके से, जब अमेरिका ने बम गिराया था, पूरी तरीके से एक नेस्तो नाबूद हो गया, आज वो कितने अच्छे तरीके से खड़ा है। चीन में हर साल इतने भूकंप आते हैं, फिर भी वो बेहतरीन तरीके से है। और भी बहुत, सिंगापुर हो गया, बहुत सारे देश हैं। लेकिन हमारे यहाँ भैया, तुम्हें वो माता है, नेता ही सब कुछ है, तुम्हें वो माता सब पिता, तुम्हें वो बंधु चल सका, तुम्हें वो। खैर, क्योंकि भारतीय संविधान इस तरह की रची गई थी, उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। अब हम खुद सरकार को विवश कर रहे हैं कि जनसंख्या कानून लाए कि 2 से अधिक बच्चे ना हो। तो हम खुद ही बात कर रहे हैं, अगर जनसंख्या इस तरीके से बढ़ता रहा, मात्र 40% ही सरकारी जॉब की है, 40%। अब 40% में जो है आज 22% युवा वर्ग काम कर रहे हैं। अब उस 22% को रिटायर होने में 40 साल लगेगा। अब जो बाकी बचे हुए हैं 18%, उस 18% में कुछ की 6 से 10 वर्ष तक की है, कुछ जो है वो 2-4 वर्ष में है, तो कितनी होंगी 10%। अब 1,40,00,000 आबादी का 10% अगर सरकारी नौकरी में, तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरा सभी अब माता पिताओं से निवेदन है कि बच्चों को आरंभ से ही ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए, वो बेरोजगार नहीं होंगे। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल हैं जिसको कर करके वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जिनके पास पैसा है, वो तो ऑलरेडी अच्छे से अच्छे बीटेक, एमटेक, प्लान एंड डिग्री, बहुत सारे भी कोर्स हैं जो कर करके अन्य, हाँ यही करना पड़ेगा कि आपको इस राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी और आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी पाओगे। तो हर चीज़ सरकार के भरोसे ना बैठें। आज सरकार के भरोसे के कारण ही भारत की स्थिति अन्य देशों के बनस्पत ख़त्म है। हम कुछ ही देशों से थोड़ा सा अच्छा है, तो उस देश में भी कारण बस नेता ही रहा है, ठीक है, संघीय ढांचा ही रहा है। और संघीय ढांचा पूरे का विनाश का कारण है। इस पर डीपली जाना या कोई ऐसी बात निकालना, वो एक कानून के विरुद्ध हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अतः इस पर विस्तृत चर्चा करने से अच्छा है कि माँ बाप खुद अपने बच्चों के लिए सोचें और जो जैसा वातावरण है उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दें, ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, तब तक।